तो फाइनली दोस्तों हमने खाना खाया, खाना खाया ये है फास्ट फास्ट पेट्रोल पंप पे, फास्ट पेट्रोल पंप के पास ये खाना वाला है ये, ठीक है। ये है शहनशाह रेस्टोरेंट एंड बारबेक्यू, इसका हमने खाना खाया और खाना इतना मज़ेदार था। अगर आप कहीं इधर उधर से आ रहे जा रहे हैं तो इस रेस्टोरेंट को याद रखें, ये सामने फास्ट वाला जो है ना ये पेट्रोल पंप है, इसके बिल्कुल बराबर में ये शहनशाह रेस्टोरेंट एंड बारबेक्यू, बड़ा ही मज़ेदार खाना। ये नहीं कि जो है ना ये इनकी तारीफ़ें कर रहा हूँ, नहीं, हमने खाया है इस वजह से जो है ना मैं इनकी तारीफ़ें कर रहा हूँ। तो खाना बहुत मज़ेदार था, तो अब हम यहाँ से खाना खा के निकल रहे हैं, और इनके जो बंदे थे काम करने वाले वो भी बहुत ताउन वाले मिले, और ये ख़ुद भी बहुत ताउन वाले थे, और पैसे भी बहुत ज़्यादा नहायत ही जो है ना मुनासिब थे। तो खाने की ये एक मैं पोजीशन ज़रा इनकी दिखा दूँ कि खाना देखें किस तरह जो है ना ये लोग, एक मिनट ये देखें, हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है, ये देखें ये यहाँ पे खाना तैयार हो रहा है। अच्छा अभी तक जो है ना घर से निकले हुए हैं हम, वहाँ से 655 किलोमीटर हो चुका है, ठीक है। शहजादकोट में है, शहजादकोट से थोड़ा सा पहले, शहर से थोड़ा सा पहले कितनी दूर है शहजादकोट? 4 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर पहले 655 किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग। तो वीडियो आपने देखी होंगी कितनी ख़तरनाक बनी है, तो निकल रहे हैं हम लोग। चले दोस्तों, मैं निकलूं हाँ, इसी तरह तो मोबाइल पे लगा हुआ था, तो मैंने बोला पता नहीं वो मोबाइल में लगा हुआ, तू तो टैंकी देख रहा होगा उसकी, क्या टैंकी है कितनी है। अल्लाह हू अकबर, सुभान अल्लाह, सखर लना हाजा व मा कुन लहु मुकरिनीन, या अल्लाह रब्बी ना लहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों हमने शहजादकोट से 4 किलोमीटर पहले होटल पे खाना खाया जैसा कि आपने देखा, और अब हम शहजादकोट की तरफ यानी के कंबर शहजादकोट जा रहे हैं। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे, कंबर और शहजादकोट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी देंगे, ताकि आप लोगों को पता चले कि शहजादकोट की क्या हिस्ट्री है। तो देखते हैं कि शहजादकोट जब आता है इसके बाज़ार आएंगे, इसके ये रोड्स आप इस वक्त देख रहे हैं, फिर इसके बाद चार से पाँच, उन्होंने होटल वालों ने बोला था कि 4 से 5 किलोमीटर के बाद जो है ना शहजादकोट आ जाएगा। ये सिंध के अंदर है, और इसकी जो डिवीज़न है वो लाड़काना डिवीज़न लगती है, इसकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो है कंबर शहजादकोट डिस्ट्रिक्ट। ये इस्टेब्लिश हुआ था कल्होरा डायनेस्टी रूल के मुताबिक, और इसकी पॉपुलेशन यानी कि इसकी आबादी है 4,50,000 जो है ना एस्टीमेट लगाई गई है। इसका पोस्टल कोड है 77300, इसका एरिया कोड है 0744, और ये लोकल इसकी जो जुबानें हैं जो यहाँ पर बोली जाती हैं वो है सिंध, सिंधी, सराइकी, बलोची और ब्रूही जुबानें जो ना यहाँ पर बोली जाती हैं। शहजादकोट यहाँ की गलियाँ, यहाँ के घर, यहाँ के जो रिहायशी हैं, बिल्कुल ऐसा माहौल है जैसे कि पंजाब साइड का है। गलियों में
नालियां बह रही हैं, कच्चे मकानात हैं, कई जगह पे पक्के मकानात हैं और यहाँ पर काफ़ी बाजार भी निकलते हैं। कई अशियाएं यहाँ पर जो है ना फरोख्त होती हैं, जैसे दुकानदार अपना कारोबार करते हैं। तो गुर्बत यहाँ पर जो है ना बहुत है। सिंध पाकिस्तान के ज़िले कंबर शहदादकोट की सबसे ज़्यादा आबादी वाली और सबसे बड़ी तहसील है। इसका नाम शहर के बानी शहदाद खान खलवार के नाम पर रखा गया था। ये लाड़काना से 51 किलोमीटर शुमाल मगरिब और कंबर से 34 किलोमीटर शुमाल में वाक़िया है। ये कस्बा बलोचिस्तान के तीन अजला यानी खुजदार, झलमक्सी और जाफराबाद के मगरिब और शुमाल में वाक़िया है। ये गवादर और रत्तो डेरों के दरमियान M8 मोटरवे के रास्ते से मुंसलिक है। ये टाउन 1970 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी गढ़ भी है। ये कस्बा पाकिस्तान की साबिक वज़ीरे आज़म बेनज़ीर भुट्टो का भी इंतखाबी हलका था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA नादिर खान मक्सी को मुंतखब हुए 3 दहाइयों से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। जैसा कि हम आए यहाँ से खुजदार से, जब हम निकल के इधर झलमक्सी की तरफ आ रहे थे, करक पे रुके, करक से फिर हम जो है ना निकले सीधा शहदादकोट की तरफ। शहदादकोट से 4 या 5 किलोमीटर पहले हमने एक होटल पे स्टे किया, वहाँ पर दोपहर का खाना खाया, फिर हम वहाँ से निकले शहदादकोट के लिए जो कि आगे 4 से 5 किलोमीटर दूर था। अच्छा, यहाँ का जो पानी है बहुत ही आलूदा पानी है। शहदादकोट में जेरे ज़मीन पानी नुकसानदा केमिकल्स और भारी धातों से आलूदा पाया गया, जिसकी वजह से ये इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के हुकाम, जिन्होंने आलूदगी की तस्दीक की है, हकूमत आर्जी हल के तौर पर बोतल बंद पानी फराहम कर रही है, लेकिन इस मसले से निमटने के लिए तवील मुद्दती इकदामात की जरूरत है। कंबर शहदादकोट, इसका सबसे बड़ा अलमिया पाकिस्तान के जो सूबा सिंध में हालिया बरसों में
बच्चों में HIV के केसेस में नुमाया इजाफा हुआ है। सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के हुकाम ने गुर्बत, गजायत की कमी और सेहत की देखभाल तक रसाई की कमी को केसेस में इजाफे में अहम किरदार अदा करने वाले अवामिल की निशानदही की। हकूमत ने मुतासरा बच्चों को मुफ्त HIV टेस्ट और इलाज फराहम किया गया। अगस्त 2022 में मॉनसून की मौसलाधार बारिशों ने पाकिस्तान के कई इलाकों बशमूल शहदादकोट और सिंध और पंजाब के दीगर छोटे शहरों में सैलाब का बाइस बना। मौसलाधार बारिशों के बाइस जिला कंबर शहदादकोट में मीरू खान की नाल जेरे आब आ गई और इसके पुश्ते टूट गए, जिसके नतीजे में कई करीबी देहात जेरे आब आ गए। सैलाब ने घरों, फसलों और मवेशियों को नुकसान पहुंचाया और मवासलात और नकलो हमल में खलल डाला। वजह मालूम करने और ऐसे ही वाकयात की रोकथाम के लिए इंक्वायरी भी शुरू की गई। सितंबर 2022 में सैलाब के पानी से ढके शहदादकोट शहर का एक फजाई मंजर भी लिया गया। वहां से उनको इमदाद पहुंचाई गई और मुतासरा कम्युनिटीज को निकाला गया, लेकिन तबाही के पैमाने की वजह से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। डिप्टी कमिश्नर जावेद नबी खोसो ने कब्बू सईद खान के कच्चे के इलाके में सैलाब से मुतासरा अफराद में अशियाए खुर्दनोश तकसीम की। ये तकसीम सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से की गई। सैलाब से इमलाक और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा और लाखों लोग मुतासिर हुए। हकूमत ने मुतासिर अफराद को बचाने की कोशिशें की, लेकिन बहुत से लोग अब भी इमदाद के मुंतजर हैं। क्रिकेट शहरियों की अक्सरियत की तरफ से खेलने वाला अहम खेल है। इसके अलावा जब सिंध बलोचिस्तान बैनुस सुबाई टूर्नामेंट मुनक्किद होते हैं तो फुटबॉल का भी रवाज होता है। एक सरकारी क्रिकेट स्टेडियम है जहां एक साल के दौरान क्रिकेट टूर्नामेंट्स मुनक्किद होते हैं और बहुत से मकामी क्लब ऐसे टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते हैं। वॉलीबॉल ज्यादातर शाम के वक्त कंट्री साइड्स में खेली जा सकती है,
मकामी स्कूलों में बच्चों के दरमियान फुटबॉल भी खेला जाता है। चले दोस्तों कंबर की तरफ चलते हैं। कंबर शहर में बिल्कुल आने वाला है, क्योंकि अभी हम शहदाद कोट की तरफ हैं और कंबर की जानिब बढ़ रहे हैं। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।